जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये अग्निपथ जो हमारी नई स्कीम आई है उसके बारे में है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अग्निपथ के जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब आ चुके हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उनके आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास जिसका आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि ये गलत है या सही है, वो टाइम आने पे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि 4 साल के लिए है या जिनके दिमाग में कोई भी डाउट है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल के बाद भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 4 साल बाद आप निकलेंगे फ़ौज से? अगर आप अच्छा काम करेंगे, देश सेवा करेंगे, दिल से देश की सेवा करेंगे, तो हो सकता है उस 25% में आपका नंबर आ जाए। और अगर उस 25% में आप नहीं भी जा पाते हैं, तो उसके अलावा भी सरकार ने आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हर फील्ड में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। BSF है, असम राइफ़ल है, और इवन सिविल में भी आपको हर जगह प्रायोरिटी मिलेगी। अग्निवीर की जो अभी स्कीम है उसके लिए मेरी एकेडमी में अभी कोर्सेज चल रहे हैं। ऑलरेडी अग्निवीर के बच्चे आ चुके हैं, और अभी जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो प्लीज़ लास्ट डेट निकलने से पहले फॉर्म भर दें और जल्दी से जल्दी इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा मौका है, सो आप लोग इसको प्लीज़ हाथ से ना जाने दें। ये फ़ौज एक सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक जुनून है जो जिसके अंदर होता है सिर्फ वो ही समझ सकता है कि फ़ौज में जाना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है। जो वर्दी पहनते हैं ना, आप उनसे पूछिए कि कैसा उनको फील होता है जब वो वर्दी पहन के बाहर निकलते हैं। जो लोग अग्निवीर में आना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अकेडमी में आ सकते हैं और जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और आपको पता है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये सब हो रहा है, तो आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है। तो आप लोग यहाँ आके अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।